मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर इस साल चुनाव लड़ेगी, ये तो तय हो चुका है। इसके लिए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने प्रदेश के सभी सियासी समीकरणों को साधते हुए कमलनाथ के नाम को ही अंतिम माना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अलग जिम्मेदारी देने के साथ देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करेगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ही कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में चेहरा होंगे। वहीं राजस्थान में अभी भी कांग्रेस के लिए खुलकर चेहरे की बात नहीं हो रही है, घोषणा करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन जो कि शुरू हो चुका है, जब वहाँ वो अधिवेशन पूरा होगा उसी में चेहरे पर सहमति बनेगी और यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही चेहरों पर सहमति बनेगी। कांग्रेस के लिए रायपुर का ये महाधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक इस महाधिवेशन में कांग्रेस सिर्फ ना आने वाले समय में बल्कि लोकसभा की जो चुनाव है उसकी भी तैयारी की पूरी रूपरेखा यहीं तैयार करेगी। विधानसभा चुनाव का पूरा बैकग्राउंड भी यहीं इसी अधिवेशन में तैयार होगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये भी कह रहे हैं कि महाधिवेशन में तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वहाँ चुनावों को किस तरीके से तैयार किया जाए, उसकी भूमिका क्या हो, रणनीति क्या हो, इन सब पर चर्चा होगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मंथन भी यहीं होगा और चेहरे भी यहीं तय हो जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के इस महाधिवेशन में राजस्थान मध्य प्रदेश में पार्टी के चेहरे को स्पष्ट करने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। जरूरी भी है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। पार्टी से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में वहां के कद्दावर नेता कमलनाथ को लेकर स्थिति पूरी तरीके से साफ है। हालांकि जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है, ये सूत्र कह रहे हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के चेहरे को आगे ही रखा जाएगा और उनके चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को लेकर जरूर कुछ सवाल कुछ नेताओं के मन में उठेगा, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, राज्य में कई सारी अहम भूमिकाएं निभाने के लिए बड़े नेता के तौर पर उन्हें आगे किया जाएगा, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का कमलनाथ होंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को आगे करने के पीछे कांग्रेस के नेता उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे के साथ सभी समुदायों को स्वीकारोक्ति को बताते हैं वजह भी है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही अभी वो बागेश्वर धाम पहुंचे थे हनुमान जी से दर्शन करने, फिर यदा कदा वो दिखाई पड़ते हैं कहीं मंदिर में कभी किसी कथा में, तो इसलिए भी उनको सॉफ्ट हिंदुत्व के एंगल से भी शायद उनका नाम आगे किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक नेता ये भी बताते हैं कि 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी उथल पुथल के चलते उनके हाथ से सत्ता गई थी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सिंधिया एक अचानक मुख्यमंत्री न बनने के बाद 15 महीने की लगातार खींचतान के बाद वो सीधे भाजपा में आ गए, जिसके बाद से उनके हाथ से कमलनाथ के हाथ से सत्ता चली गई और सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस बार भी कांग्रेस अपने उसी अनुभवी चेहरे पर दाव लगाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ताल ठोक रही है, ये बात राहुल गांधी भी कह चुके हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पूरी तरह से भाजपा के लिए सत्ता विरोधी लहर है और ये उनका कथन था कि आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि भाजपा मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है। इधर मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर राजस्थान की बात करें तो वहां भी सियासी समीकरणों के लेकर चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां भी चेहरे पर संकट है किसे बनाया जाए। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की भी राहें आसान नहीं है। पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से या उसके बाद राजस्थान में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसका आधिकारिक तौर पर समापन फिलहाल ये जो अधिवेशन हो रहा है रायपुर में उससे हो जाएगा। हालांकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि राहुल गांधी भी जब वहाँ थे तब वो इस हंगामे को नहीं शांत करा पाए, पायलट और गहलोत के विवाद को, इस शीत युद्ध को नहीं खत्म कर पाए, तो फिर रायपुर का अधिवेशन कैसे खत्म करेगा इनके युद्ध को, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कई वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि पार्टी को कम से कम ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि इस साल होने वाला राजस्थान में चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाएगा या सचिन पायलट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों के विधायक यदा कदा भिड़ते दिखाई पड़ते। हालांकि इन दोनों चेहरों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में अलग अलग राय जरूर बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से चुप्पी है,
वो शायद ये इशारा कर रही है कि राजस्थान में फिलहाल कोई घोषणा नहीं होगी लेकिन जल्द होगी। उनका तर्क ये भी है कि कांग्रेस के लिए दोनों चेहरे सचिन पायलट और अशोक गहलोत बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखें तो अशोक गहलोत के पास नंबर की मजबूती है और सचिन पायलट जो हैं वो पॉपुलैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कई जगह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भी ये प्रूफ करके दिखाया कि उनके साथ लोग हैं। इसके अलावा जब वो दिल्ली से राहुल गांधी से मिलकर लौटे तो उन्होंने मंच से बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जिसे लेकर ऐसा माना जाने लगा कि शायद सचिन पायलट के नाम को आलाकमान की ओर से मोहर लगा दी गई है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर कांग्रेस को ये तस्वीर साफ करना इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि अगर यहाँ पर चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा ये स्पष्ट नहीं किया जाएगा तो आपसी गुट जिस तरीके से भिड़े हुए हैं इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा और शायद भाजपा को कुछ करने की ज़रूरत राजस्थान की ज़मीन पर भी नहीं होगी। और मध्य प्रदेश का विवाद ही देखने ही मिल रहा है क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय के लोग आपस में ही भिड़ते दिखाई पड़ते हैं। अक्सर वाक युद्ध भी आप देखते हैं यहाँ पर और यही कंडीशन यही स्थिति राजस्थान में भी दिखाई पड़ती है। इसलिए चुनाव से पहले ये जो रायपुर में अधिवेशन हो रहा है निश्चित तौर पर यहाँ चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का खासतौर से इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को ये सामने रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।